वो प्रोसेस यहाँ दिखाएंगे, आप सभी लोग बड़े ध्यान से देखिए ताकि जब यहाँ से बाहर जाकर आप स्वयं अपने हाथों से बनाएंगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा। आप बड़े ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप आपके सामने यहाँ पे बना करके दिखाएंगे। सबसे पहले एक बॉल बनाना है, बॉल कोन कॉइल अगर बना सकते हैं तो दो एक मीटर दो मीटर बन जाए। कोन बनाना है, कॉइल बनाना है, छोटी और बड़ी बॉल बनाना है, ठीक है। सबसे पहले बॉल, जितनी बड़ी मूर्ति बनाना है उससे वन थर्ड हाइट की, वन थर्ड डायमीटर की बॉल बना ले। ये देखिए बॉल बना ली, गोल बॉल बनाना है, इसको रख लेंगे नीचे। इसके बाद दो छोटी बॉल बनाएंगे, दो छोटी बॉल बन गई। बड़ी वाल पर छोटी वाल दोनों ऐसे चिपका देना है, ठीक है। ऐसे नहीं करना, यहाँ पर हम वाल की साइज इस विषय पर निर्भर करती है मूर्ति कितनी बड़ी बना रहे हैं। टोटल जैसे 10 सेंटीमीटर या 10 इंच की बनाना है तो हम लगभग 4 इंच के करीब डायमीटर का बड़ा गोला बनाएंगे और फिर 2-2 इंच की छोटी वाल बनाएंगे। इस तरह से दोनों वाल उसके गोले के ऊपर चिपकाना है ध्यान से। इसके बाद एक कोन बनाया जाएगा, इस कोन से उनके पैरों का आकार आएगा। कोन माने एक तरफ नुकीला और एक तरफ मोटा, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है ना उसी टाइप की शेप में दो कोन बनाए। ये दोनों कोन से उनके पैरों का आकार दिया जाएगा। कोन का जो पतला हिस्सा है उसको थोड़ा सा घुमा देंगे ताकि पैरों का पंजा उसकी पालकी मार के बैठे हुए, और नीचे से चिपकाना है बड़े गोले पर ताकि सुखासन की स्थिति में गणेश जी के बैठने का पोस्चर तैयार हो। ध्यान से देख लीजिएगा, अभी सबको प्रैक्टिकल करना है। हाँ, ये अभी आपको मिट्टी दी जाएगी बाहर, तो बाहर टेबल लगे हैं वहाँ पर आपको बनाना है। इसके बाद सिर बनाने के लिए एक बॉल, दो छोटे बॉल, दो एक और बॉल बनाई, ये सिर बनाया, दूसरी एक बॉल रख दी ऊपर से और चिपकाना है बहुत अच्छे से। शेप एंड साइज अपने कल्पना पर निर्भर करता है, आप किस टाइप के गणेश जी बना रहे हैं, बैठी हुई बना रहे हैं, खड़े हुए बना रहे हैं, इस टाइप। दो छोटे बॉल बना करके उनके कानों का शेप देना है, दबा देने से वो चूड़ी हो जाएगी बॉल, तो उनका कान का शेप आ जाएगा। इसके बाद एक क्वाइल बनाई, क्वाइल बना करके उससे जनेऊ का निर्माण होगा। जनेऊ पहले लगाना है, सूंड लगाने के पहले, ताकि जनेऊ नीचे रहता है सूंड ऊपर से आएगी। यदि आप जनेऊ लगाना भूल गए हैं तो फिर बाद में दिक्कत जाएगी। हाथ बनाने के लिए देखिएगा, अब हाथों के लिए क्वाइल बनाई और कॉर्नर से थोड़ा सा उसको दबा के उससे हथेली का शेप बन गया। फिर से लड्डू वाला कुछ नहीं करना, जिस पाइल को प्रेस करना है। देख लीजिए बारीकी, थोड़ी सी मिट्टी दिखाई दे रहा है सभी को, एक छोटा सी बॉल, एक छोटी बॉल बनाएंगे उससे लड्डू बनाना है आपको, हथेली के ऊपर है लड्डू। दूसरा आप आशीर्वाद वाला और एक हाथ में लड्डू हमने चिपका दिया, जो आशीर्वाद वाला है उसके राइट हैंड और लड्डू वाला है लेफ्ट हैंड, दोनों को सही जगह पर चिपकाना है। ये शेप आती जा रही है, देखिए अब क्या बनना है, अब सूंड बनना है, फर्स्ट से मोटी नीचे से पतली, वही कोन बनाया लंबा वाला और नीचे से उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया ताकि सूंड का शेप बन जाए और सामने जो चेहरा बनाया था उसके ऊपर चिपकाना। अब दांत के लिए वही छोटे कोन बनाना दो, और एक दांत क्योंकि टूटा हुआ होता है तो
सामने से उसकी नोक झड़ाते हुए और सूर्य के दोनों तरफ चिपका दे। अब सब बच्चा मुकुट, मुकुट के लिए फिर कौन बनाना है, कौन बनाकर सिर के ऊपर चिपकाना है और ऊपर एक गोली बनाकर लगाना है छोटी सी, सो दैट मुकुट जैसा शेप आ जाए। अब इसमें आप देख रहे हैं कि सलवटे नहीं है, सूर्य के ऊपर रियलिस्टिक दिखाने के लिए थोड़ा सा सलवटे डालना है, आंखें बनाना है, तो इसके लिए कोई सीख ले लेंगे या खाली रिफिल जो होती है पेन की उस रिफिल का प्रयोग कर लेंगे और इस तरह सलवटे डाल करके उनका सूंड का आकार और अंग वस्त्र भी उसी से बना सकते हैं। ये देखिए धोती वाले जगह पर आप सलवटे डाल करके सीख से उससे उनका अंग वस्त्र बना सकते हैं, आंखें बना सकते हैं और आपकी कल्पना शक्ति के अनुसार जो आप जैसा चाहते हैं और अच्छे से उसको डेकोरेट कर सकते हैं। चार मिनट हुए होंगे जब कमलेश जी ने शुरू किया था, तो आप देख रहे हैं 5-7 मिनट में आपकी मूर्ति बनकर तैयार। ऐसे नहीं करना है, इससे अंदाज लग गया आप कितनी बड़ी मूर्ति के लिए कितना बड़ा गोला शुरू में लेना है। फिर से एक गोला लिया, दो छोटे गोले लिए, ऊपर चिपकाए, नीचे आकर नीचे थोड़ा सा नीचे। इसके बाद पैर बनाने के लिए दो कोन बनाए, सामने से पैर का पंजे बनाने के लिए मोड़ा उसको थोड़ा दबा करके और बड़े गोले के नीचे की साइड में उसको चिपकाया तो दैट पैरों की आकार आ जाएगा। इसके बाद सिर का भाग इसके बाद कान आप जाने हो जैसा आकार उसी के रेशो में उसी अनुपात में हम लोग आगे के आइटम बनाते जाएं। जाने लग गया। अब इसके बाद हम हाथ लगाने थोड़ा इधर दिखाओ, अब सूंड लगेगी, दिखा भाई नीचे सूंड के लिए बड़ा कौन सामने से घुमा देंगे और सामने से सूंड को भी चिपकाएंगे। दिखा, जब चिपकाते हैं थोड़े ध्यान से फिनिश करना चाहिए, अच्छे से चिपकाना जरूरी है वरना वो निकल जाएगा। दिखा भाई नीचे गाजर, सेम पोजीशन रहेगा, पैर की पोजीशन बताओ, गाजर, दो गाजर उसके
ठीक गाल क्या करना है, यहाँ से थोड़ा ऐसे प्रेस करना है, यहाँ से ये पैर जैसा हो गया से, ऐसे ही दूसरा ये पैर फिनिश नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे दूसरी बॉल बनाया था हमने लंबोदर, पेट बड़ा होना चाहिए, दो बॉल प्रयोग कराएंगे आप बनाना आता है आपको, अच्छा बनाना कैसे करना है, कैसे आपको आपके ऊपर चक्रासन बना देना, अरे गणेश जी चक्रासन में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दो बॉल बस बस सून लगाना हो गया, चलिए गणपति बप्पा क्या क्या रह गया है, कुछ रह गया इसमें मुकुट और दांत, दांत दांत वो आप बना लेंगे, वाह वाह, चलिए हमारे साथी आपको मदद करेंगे, ऐसे मत बताइएगा, देख लें तीनों एक साथ देख लें, अभी सब बैठे रहेंगे भाई, एक दो तीन चार, थोड़ा शांत रहिए, अभी जो मूर्ति बनी है ये श्री जेपी नामदेव जी सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर एपीओ हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर गोविंद जी को भेंट करेंगे, गणपति आप एक
और चक्रासन मृत्युंजय को दे सर चक्रासन ये हमारे कैमरामैन गुप्ता जी थे जो बहुत देर से वीडियो बना रहे हैं आप देख सकते हैं मोरिया मोरिया अभी से आ रहे हैं कि बाहर का जो टेबलों पर व्यवस्था की गई है वहाँ पर निर्माण बहुत धन्यवाद सर बहुत अच्छा बनाया आपने बहुत अच्छा एक्सलेंट ये वाला देखो चक्रासन एक्सलेंट अरे सर ये दिखाइए हाथों में जी जी लाइए सर हमारे